लड़की जैन की है जिसे एक 32 साल के अंकल से प्यार हो जाता है और वो रोज स्कूल जाने के बहाने घर से निकलकर उस आदमी के पास जाती थी और लगातार 6 घंटों तक उस आदमी के साथ टपा टप करके अपनी हवस मिटाती थी। तब क्या होता है जब जैन के घर वालों को ये बात पता चलती है, तो चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो हमें कुछ लिखकर बताने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम 15 साल की एक जैन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक स्कूल जाने वाली लड़की है। जैन के घर में जैन की माँ और दो भाई हैं और यहाँ पर जैन की माँ एक टीचर है, लेकिन जैन के बड़े भाई का बिहेवियर जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो हमेशा ईगो में ही बात किया करता था। वो अपनी छोटी बहन को हमेशा ही परेशान किया करता था और ये बात जैन अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसके बड़े भाई को कुछ भी नहीं कहती। और यहाँ पर जैन अपनी स्कूल की छुट्टी होने की वजह से वो अपने घर पर आई हुई थी और स्कूल की छुट्टियाँ पूरी होने के बाद वो लोग स्कूल के लिए वापस जाने लगते हैं और उसकी मॉम भी उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। उसके बाद जैन नाव से बाहर निकलकर चीजों को सर्व कर रही थी। इसी दौरान एक आदमी कार से बाहर निकलकर जैन को ताड़ रहा था क्योंकि काफी अमीर और मेड इन चाइनीज था। उसके बाद वो आदमी जैन के पास जाता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जैन उसे मना कर देती है और बोलती है मैं सिगरेट नहीं पीती। उस चाइनीज आदमी का नाम टोनी है और वो जैन को बताता है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। उसके बाद जैन भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि उसे भी महंगी कार में बैठना था। अब कार में बैठने के बाद उन दोनों का एक दूसरे से बात करने का काफी मन था, लेकिन दोनों के पास बात करने का कोई भी टॉपिक नहीं था। तब जैन उस आदमी को बोलती है कि मैं अभी 18 साल की हूँ। उसके बाद टोनी भी अपनी एज 32 साल बताता है। जैन को देखकर टोनी का मूड बनने लगता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन जैन उसकी इस हरकत का बुरा नहीं मानती क्योंकि वो भी टोनी में इंटरेस्ट ले रही थी। और यहाँ जैन अपनी एज 15 ना बताकर 18 इसलिए बताती है ताकि टोनी उसके करीब आ सके। उसके बाद टोनी जैन को उसके हॉस्टल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैन की लाइफ में टोनी पहला इंसान था इसलिए वो काफी खुश थी और वो एक्साइटमेंट के चक्कर में उसकी सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताने लगती है। अगली सुबह जब जैन अपने घर से स्कूल जा रही थी तभी उसे स्कूल के बाहर टोनी की कार नजर आती है। उसके बाद जैन टोनी का इशारा समझ जाती है और वहाँ पे उसे एक किस करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अब टोनी के पैर के दिए जलने लगते हैं क्योंकि उसे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जैन भी उसे लाइक करने लगी है। शाम को जैन के स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैन टोनी को ढूंढने लगती है, लेकिन टोनी वहाँ पर नहीं होता। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैन अपनी फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी तब उसे बाहर टोनी की कार नजर आती है और वो वहाँ से टोनी की कार में बैठकर चली जाती है। और अब टोनी उसे जन्नत की सैर कराने के लिए एक ओयो में लेकर जाता है और वो जैन से कहता है ये तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक लॉर्ड्स है। वहाँ की चीजों को देखकर जैन को ये सब अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये कोई लॉर्ड्स नहीं बल्कि ओयो रूम है, लेकिन टोनी वहाँ जैन की एज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है क्योंकि जैन की एज उससे काफी ज्यादा कम थी, इसलिए टोनी उसे अपने घर पर जाने के लिए कहता है। तब जैन उससे कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या सब करना चाहते हो और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वो सब करो जो ओयो में किया जाता है। इसके बाद क्या था, टोनी को तो जैसे घोड़ी की सवारी करने का मौका मिल गया और वो जोरों शोरों से उस सवारी का मजा लेता है और पूरे दिन ही वो ऐसे ही करते हैं। अब सब कुछ करने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जैन बताती है कि मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद हमारे घर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद टोनी को ऐसा लगता है कि जैन ने सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ सब कुछ किया था। उसके बाद जैन कहती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ और अपनी फैमिली की सारी समस्या को दूर करना चाहती हूँ। ये सुनकर टोनी उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन जैन उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर टोनी उसे कहता है कि हमारे चाइनीज में एक असूल है कि मैं एक चाइनीज हूँ और मेरी शादी भी एक चाइनीज से ही होगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसलिए जैन भी अपने आप को संतावना देने के लिए उससे बोल देती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ये एक सुनहरा पल है जो मैं तुम्हारे साथ जी रही हूँ। लेकिन रात को जैन काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि जैन को टोनी से सच्चे वाला प्यार हो गया था, लेकिन अब जैन टोनी से अपने प्यार के बारे में नहीं बता सकती थी। और अगले दिन से जैन स्कूल जाने के बहाने टोनी के साथ ओयो रूम में जाकर जिंदगी के मजे उठाने लगती है। एक दिन जैन की मॉम जैन को टोनी के साथ ओयो से आते हुए देख लेती है और घर पहुँचने के बाद जैन को एक लेटर दिखाती है जो कि जैन की स्कूल कंप्लेन थी क्योंकि वो काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी और उस लेटर में लिखा हुआ था कि जैन काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। इसके बाद जैन की मॉम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, इस पर जैन अपनी मॉम को बताती है कि मेरा एक दोस्त है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है। ये सुनने के बाद उसके घर वाले भी उसे कुछ नहीं बोलते और इसी से हमें पता चलता है कि जैन के घर वाले काफी लालची हैं। अगले दिन जैन अपनी फैमिली को टोनी से मिलवाने के लिए ले जाती है जहाँ टोनी उसकी फैमिली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें टोनी की बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और सारे लोग खाने के पीछे पड़े हुए थे। उन लोगों को सिर्फ टोनी का फोकट का खाना खाने से मतलब था। टोनी इन लोगों को देखकर इनकी हरकतों के बारे में समझ जाता है और वो उन लोगों को
जैन के घर वालों को टोनी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर टोनी दबाकर जैन की सवारी करता और मजे लेता है। एक दिन जैन टोनी से कहती है कि मेरी मम को कुछ पैसों की जरूरत है। वो पैसों के लिए जैन को मना नहीं करता क्योंकि वो पैसों के लिए जैन को खोना नहीं चाहता। और उसके बाद जैन की मम तेज बारिश में भी आकर उससे पैसे ले लेती है। अब स्कूल में जैन की सारी क्लास की लड़कियां जैन से दूर रहने लगी थी क्योंकि वो सब जान चुकी थी कि जैन कैसी लड़की है। पर जैन को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद जैन टोनी को कहती है कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाना होगा। उसके बाद टोनी अपनी माँ की दी हुई डायमंड की रिंग जैन को दे देता है ताकि इसी बहाने वो टोनी को याद रख सके। उसके बाद टोनी अपने फादर के पास जाकर कहता है कि मैं जैन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके फादर उसे साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद टोनी ये सब बातें जैन को बताता है और कहता है हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन जैन ऐसा करने से उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो भागकर शादी करेंगे तो उसके फादर उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। उसके बाद जब जैन घर आती है तब उसकी मॉम उसके हाथ में वो महंगी डायमंड की रिंग देखती है और कहती है तू इतनी महंगी रिंग कहाँ से ले आई। वो उससे वो रिंग ले लेती है। अगले दिन जैन का खड़ूस भाई किसी काम से बाहर जा रहा था, जिसे देख के दोनों भाई बहन काफी खुश होते हैं क्योंकि इसका बड़ा भाई एक नंबर का चूतिया था और इन लोगों को बहुत ही परेशान किया करता था। उसके बाद जैन टोनी से मिलने उसके पास जाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। तभी जैन उससे कहती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम रोज ही भर की मेरी सवारी कर सकती हो। यहाँ पर टोनी फिर भी रोता रहता है। अब यहाँ पर जैन अपने आगे की पढ़ाई करने फ्रांस जाने को पूरी तरह से तैयार थी। इसके बाद जैन की मॉम कहती है कि हमें फ्रांस जाने के लिए हमारी पूरी मदद टोनी ने करी है। जिसके बाद जैन टोनी से मिलने के लिए जाती है और पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी टोनी उसके घर पर नहीं आता और फ्रांस जाते समय उसे टोनी की कार नजर आती है, जिसे देख उसे ऐसा लगता है कि टोनी उससे मिलने के लिए आया है लेकिन टोनी वहाँ पर नहीं आता। इसके बाद जैन बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कहानी की शुरुआत में आपने जिस ओल्ड लेडी को देखा था जो लिख के कुछ हमें बताने की कोशिश कर रही थी वो असल में जैन ही थी। ये सारी कहानी को लिख कर वो हमें बता रही थी जो टोनी के इंतजार में बूढ़ी हो चुकी है और उसी दौरान उसे टोनी का कॉल आता है और वो उससे कहता है मैं शादी के बाद भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। अब जितना कुछ आपने अब तक देखा ये सब ओल्ड जैन ही बता रही होती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।